बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 65 है जो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, और हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल चल रहे हैं। तो हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है ये, 2 कार्बन + 3 हाइड्रोजन C2H6, इसका डेल्टा एच हमें फाइंड आउट करना है। C+O2 CO2 दिया हुआ है, हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन वाटर दिया हुआ है, और C2H6 7/2 ऑक्सीजन और ये हमें दिया हुआ है। 3 इक्वेशन दी हुई होती है और एक फाइंड आउट करनी होती है। अब यहाँ पे हमें कार्बन के 2 मोल चाहिए, हाइड्रोजन के 3 मोल चाहिए, तो इक्वेशन 1 × 2 × 3 करेंगे पहले स्टेप में, उसके बाद दोनों को ऐड करवाएंगे। बिल्कुल वही सेम है, अगर आपने एक सवाल समझ लिया तो सारे सवाल आप खुद से कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2 एंड इक्वेशन 2/3, तो 2 कार्बन + 2 ऑक्सीजन 2 कार्बन डाइऑक्साइड डेल्टा एच आ गया। इसी तरह 3 हाइड्रोजन + 3/2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3 वाटर मॉलिक्यूल, और ये 286 × 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा 858। फिर दोनों को ऐड करवा देंगे सेकेंड स्टेप में, तो इक्वेशन नंबर यहाँ पे 4 और 5 आई थी, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 आ जाती है। उसके बाद जब इक्वेशन 6 आ गई तो उसके बाद हमें क्या करना होता है कि इक्वेशन 6 को 3 से माइनस करवाते हैं, तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड कट जाती है, और तो यहाँ पर जो हमें चाहिए होता है वो माइनस में आता है, वो सेकेंड साइड जाकर हमारे पास प्लस हो जाता है। C2H6 यहाँ माइनस में आएगा, ये इक्वेशन नीचे आएगी, ये ऊपर आएगी, तो C2H6 माइनस में होगी और ये आगे प्लस हो गया, और डेल्टा एच की वैल्यू उसकी फाइंड आउट हो जाएगी। तो बहुत आसान से न्यूमेरिकल होते हैं ये। इसके अलावा जितने भी आप क्वेश्चन मिलेंगे इससे रिलेटेड, तो सब एक ही तरीके से होंगे। ये मैंने आपको 2 करवा दिए, बाकी आप को एक और करवा देता हूँ। तो C+2H2+0.5 ऑक्सीजन, ये CH3OH हमें फाइंड आउट करना है। कार्बन और हाइड्रोजन हमें दिया हुआ है और CH3OH भी दिया हुआ है। 3 इक्वेशन होती हैं, पहले देखो कार्बन तो 1 ही मोल चाहिए, तो पहले इक्वेशन 1 को तो नहीं छेड़ेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 मोल चाहिए, तो यहाँ से 2 × इक्वेशन, तो यही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 और एड इन 1 ऐड भी करवानी है। तो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 से 2 कट गया, 2 वाटर, और 2 86 × 2 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 572। अब इक्वेशन नंबर 4 को 1 में ऐड करवा दूंगा, क्योंकि हमें ऊपर ऐड भी चाहिए, तो C+O2 CO2 हो गया और 2H2O+ ऑक्सीजन, तो 2H2 हो गया। उसके बाद सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3/5, सब्ट्रैक्शन होती है तीसरे स्टेप में, तो ये दोनों, तो ये तीनों प्लस में आ जाएंगे, ये माइनस में आ जाएगा। 2 और -3/2 करूँगा तो 1/2 बच जाएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे, और ये दोनों भी माइनस से प्लस हो जाएगा। 726 में से 966 में से जाएगा तो 240 बच जाएगा। CH3OH यहाँ माइनस है, यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें CH3OH का डेल्टा एच की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2010 का न्यूमेरिकल था जो हम सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ के एक चैप्टर भी ख़त्म हो गया, अब अगली वीडियो से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे।